बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने घटना को निंदनीय कहा है और हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की इस शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आतंकी हमले में घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। साथ ही कहा है कि आतंकियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी और शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आतंकियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों का जो ऊपर कायराना हमला किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन जो भी घटना वहाँ घटी है आतंकवादियों के द्वारा, पूरा देश एकजुट है और उसका जरूर उपयुक्त जवाब मिलेगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। और जो भी परिवार है, परिजन है, वे सभी तो अब शहीद हो गए जो मारे गए हैं सीआरपीएफ के जवान, और उनके परिवार के प्रति हम सब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और पूरा देश एकजुट है और उनकी शहादत नाकाम नहीं होगी। उनकी शहादत का जरूर उसका जो उत्तर है वो जरूर ये देश देगा, मुझको इसका पूरा भरोसा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस में विस्फोट हो गया जिसमें देश के 37 जवान घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद पूरा देश आक्रोशित है। देश में जगह जगह लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सेना और सरकार से आतंकवादियों को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। पंजाब के सी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।